हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं मटन। ये है पूरा 3 केजी मटन, देख सकते हैं बहुत ही अच्छे हैं। ये सारे खड़े मसाले को भून रही हूँ, फिर इस ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर इसको ग्राइंडिंग करूँगी मटन में डालने के लिए। देख सकते हैं आप, इसको सब्जी में भी डाल सकते हैं। ये मैंने प्याज सब बारीक चॉप कर लिया है, और ये है प्याज का पेस्ट, ये लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, ये है लाल मिर्च का पेस्ट, ये सबको अभी मैं इसमें डालूंगी। ये तेल गरम हो गया, तो हमारा तेल गरम हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी जीरा, और ये है दालचीनी, और 2 लौंग। ये देख सकते हैं, अब इसमें डालूंगी प्याज जो मैंने ये बारीक चॉप किए हुए हैं। ये देखिए प्याज भुना गया है, अब हम इसमें डालेंगे, ये देखिए कितना अच्छे से भुनाया है प्याज। अब इसमें हम डालेंगे अदरक का पेस्ट, ये रहा। अब इसमें डालूंगी 2-4 बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट, क्योंकि मटन बहुत ज़्यादा है, 3 किलो मटन है, तो थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी लगेगा हर चीज़ का। ये अदरक भुनाया, अब इसमें डालूंगी मैं लहसुन का पेस्ट, ये देखिए 1 कटोरी लहसुन का पेस्ट है, थोड़ा तो इसके डालते हैं। ये हमारा मटन का क्वांटिटी ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा लगेगा हर चीज़। बस 1 मिनट के लिए थोड़ा सा पकने देंगे, फिर इसमें हम लोग डालेंगे ये लाल सूखी मिर्च का पेस्ट। मैंने भिगो सूखी मिर्च को पहले मैंने भिगो लिया था। देखते हैं, मसाला काफ़ी हद तक से पक गया है। अदरक और लहसुन का पेस्ट, इसमें साबुत लहसुन अच्छे से धो के मसाले में डाल दूंगी। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है, अब मैं ये जो लहसुन धो लिया था इसको इसमें डाल दूंगी, बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें मैं सारे पाउडर मसाला डालूंगी। मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर डाला है, मैं डालूंगी हल्दी पाउडर 1 चम्मच। अब डालूंगी गरम मसाला 1 चम्मच, इसको 1 ही चम्मच डालूंगी क्योंकि मैंने ये वाला मसाला भून के रखा है, इसका पाउडर बना के इसको भी मैं डालने वाली हूँ। देख सकते हैं लुक कितना अच्छा लग रहा है। मसाला बना रहा है, काफी क्वांटिटी ज्यादा है इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, तभी तक बना जा रहा है। अब मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है, तेल छोड़ लिया है, अच्छा खुशबू आ रहा है मसाले का। अब मैं ये सारे मटन इसमें डाल दूंगी, काफी सारा है तो मैं इसको, ये देखिए मैंने मटन सब डाल दिया है, इसको मिक्स करके अब इसको नमक भी डाल दिया है मैंने स्वाद अनुसार। अब इसमें हम ढक्कन करके छोड़ देंगे, ढक्कन बंद करके।
अब इसको हम कवर करके छोड़ देंगे 15 मिनट तक। इसके बाद सीधा आऊँगी, इसको खोलूँगी, चलाऊँगी। मैंने जो भून के रखा था मसाला उसको फाइन पेस्ट बना लिया है, अब इसको मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए 15 मिनट के लिए छोड़ दी थी, कैसे तेल छोड़ने लगा है, पानी हल्का हल्का निकलने लगा है मटन से। अब इस जो पाउडर बनाई है इसको मैं इसके ऊपर में ऐसे डालूँगी, इससे बहुत अच्छा खुशबू और बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। ये डालना था इसीलिए मैंने गरम मसाला 2 चम्मच ही डाला था। तो गाइस ये देख सकते हैं मेरा मटन उबल गया है, अच्छे से इसी में कसूंगी इसको, उसके बाद मैं कुकर चढ़ाऊंगी। कुकर में लास्ट में करूँगी। ये देखिए इतनी अच्छी खुशबू आ रही है गाइस, क्या ही बताओ मटन। अब इसको मैं फिर से ढक देती हूँ, काफ़ी पानी छोड़ दिया है मटन, इसी में पके गई। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इससे, क्या ही बताऊँ। ये लगभग मेरे को 2 घंटे हो गए पकाते पकाते, ये पूरा कसा गया है। अब मैं इसको कुकर में 1 सीटी मरवा दूँगी तो ये पक जाएगा, क्योंकि 2 घंटे तक मैंने इसे इसी में पकाया है। और बेटर टेस्ट, इसमें 1 चम्मच में शुद्ध देसी घी डालूंगी। इसमें आधा को डाल दी हूँ सीटी मरवाने के लिए, ताकि ये अच्छे से पक जाए। आधा मटन को डाल दी हूँ, लगभग 1.5 किलो करीब, और 1.5 किलो करीब मटन इसमें पक रहा है। ये देखिए वो हो जाएगा, फिर इसको डालूंगी सीटी मरवाने के लिए, नहीं तो कुकर में नहीं आएगा ना। अब इसको सीटी मरा देती हूँ, 2 सीटी। 2 सीटी आने के बाद इसको मैं बंद कर दूँगी। ये देखिए कितना यम्मी दिख रहा है, ग्रेवी देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब ये 2 सीटी इसको करा दूँगी, फिर ये पूरी तरह पक जाएगा। ये देखिए जो मैंने लहसुन डाला था साबुत लहसुन, कितना अच्छा से पक गया है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि क्या ही बताऊं मैं। सकती हूँ गाइस, देखिए खोल दिया है, अच्छे से पक चुका है ये। तो गाइस ये बन गया है मेरा मटन।